शिमला के प्रतिबंधित मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक के खिलाफ मंगलवार को पांचवें दिन भी जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने बालूगंज थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से इस तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग की। जिला न्यायालय बार एसोसिएशन ने साफ किया कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी खामियाजा क्यों ना भुगतना पड़े। राजधानी शिमला के प्रतिबंधित मार्गों पर वाहनों की आवाजाही और सड़क किनारे वाहन खड़े करने पर प्रतिबंध के न्यायालय के आदेश पर जिला सत्र न्यायालय के अधिवक्ता आंदोलनरत है। मंगलवार को अधिवक्ताओं ने बालूगंज थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस, नौकरशाही, सरकार और न्यायपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रतिबंधित मार्गों पर उनके वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक जब तक नहीं हटाई जाती ये आंदोलन जारी रहेगा और इसके लिए भले ही उन्हें गिरफ्तारियां देनी पड़े या जेल जाना पड़े। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला न्यायालय बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव सरकैक ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आज पूरा देश नौकरशाहों, पुलिस, राजनीतिज्ञों और न्यायपालिका का गुलाम बनकर रह गया है और ये वर्ग अपनी सुविधा के लिए आम जनता के हितों को दरकिनार कर रहा है। सरकैक ने हैरानी जताई कि शिमला में IGMC अस्पताल, उपायुक्त कार्यालय और नगर निगम शिमला के कार्यालय सहित अधिकतर महत्वपूर्ण विभाग प्रतिबंधित मार्गों पर है, ऐसे में आम आदमी इन कार्यालयों में कैसे पहुंचे। उन्होंने VIP कल्चर का कड़ा विरोध किया। राजीव सरकैक ने वर्तमान में पैदा हुए हालात के लिए न्यायालय को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार व प्रशासन को वाहनों की आवाजाही रोकने की बजाय न्यायालय को इन्हें पार्किंग स्थल बनाने के निर्देश देने चाहिए ताकि आम आदमी के हित सुरक्षित हो सके। उन्होंने बालूगंज थाने में कार्यरत SHO के ऊपर अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने के भी आरोप लगाए। ये हमारा प्रोटेस्ट वैसे तो फ्राइडे से चला है। फ्राइडे को हमने एक टोकन एब्सटेन करा था लेकिन सैटरडे को भी कोई रिस्पांस नहीं आया हाई कोर्ट से, मंडे को भी कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने कल भी यहाँ पे, कल हम आए थे यहाँ पे लेकिन यहाँ पे SHO ने यहाँ कुछ बदतमीजी करी। वैसे हम कल यहाँ से DC ऑफिस और हाई कोर्ट के लिए जा रहे थे, हमने इधर से नहीं जाना था लेकिन SHO ने वहाँ पर चौक पे कुछ एडवोकेट के साथ बदतमीजी करी, इस वजह से कल हमने यहीं पे धरना दिया था। आज भी हम इसी इसमें आए हैं कि हमारे खिलाफ़ बहुत FIR कर दी हुई है। हमको मालूम पड़ा है कि हमारे खिलाफ़ कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंसेज की FIR हुई है, तो इसीलिए हम उसको प्रोटेस्ट करने यहाँ पर आए। और आज हम ये भी बोलने आए हैं कि भी देखिएगा, जो हमारी डिमांड है वो बड़ी जेन्युइन है। ये जो बेसिक मुद्दा है ये कैसे उठा, ये एजिटेशन क्यों हुआ, ये एक ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का कि भाई सील्ड रोड पे और रिस्ट्रिक्टेड रोड पे कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा। ये 2015 का ऑर्डर है। उस 2015 के ऑर्डर के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें ऐसा लगता है कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, पुलिस, जुडिशरी, इनकी गाड़ियां तो अप्लाई हो सकती है, आम जनता और एडवोकेट्स की व्हीकल्स नहीं अप्लाई हो सकते, इस पर नहीं चल सकती है। अभी आप यहां पे देख रहे हैं कि कितनी पुलिस है यहां पे, ASP साहब हैं, SP साहब हैं, DSP हैं, ATM साहब आए हैं, SDM साहब आई हैं यहां पे। जो मुझे लगता है कि शिमला की जितनी भी पुलिस है वो सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड पे डिप्लॉय कर दी गई हुई है। किस लिए? ताकि ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, जुडिशरी और पुलिस वालों की गाड़ियां बेरोक टोक चल सके। अदरवाइज इतनी पुलिस का सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड में क्या काम? जब तक हाई कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेशन हमको बुलाता नहीं है बातचीत करने के लिए और जब तक कोई कंक्रीट वन टाइम सोल्यूशन इस चीज़ का नहीं निकलेगा, हम अपना एजिटेशन वापस नहीं लेंगे। रीज़न, पहले ये अंग्रेज़ों की गुलामी का ज़माना याद आ गया हुआ है। उस समय तो सिर्फ अंग्रेज़ ही, हम अंग्रेज़ों के ही गुलाम थे, अंग्रेज़ ही हम लोगों पे शासन करते थे। लेकिन आज 3-4 सेक्शन ऐसे हैं जो हम आम जनता पे राज कर रहे हैं, जिनमें से एक ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन है, जुडिशरी है और ये पुलिस है। आज अधिवक्ताओं के इस आंदोलन के पक्ष में कहीं ना कहीं आम आदमी भी नजर आ रहा है क्योंकि सबसे अधिक मुश्किलों का सामना उसी को करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।